नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया डे फोर की यहाँ शुरुआत हो रही है। इंडियन टीम यहाँ पर रन चेस के लिए आने वाली है, देखते हैं क्या करके। जीतने के लिए 386 रन चाहिए, 9 विकेट हाथ में है, पिच बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। चौथी इनिंग है तो और मुश्किल हो जाता है, देखते हैं। पहली गेंद इस दिन की, फिर हम पड़ेंगे यहाँ पर हमारे आखिरी 10 ओवर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका पुजारा का निकलता हुआ, 102 पे 4, इंडिया करता हुआ स्ट्रगल। अभी अभी खोए हैं विकेट, यहाँ पर देख सकते हैं पुजारा रन आउट हुए। कोहली यहाँ पर नाथन लियोन का शिकार हुए हैं। शुभ गिल यहाँ पर 2 गेंदों में 0 बनाकर आउट हुए हैं। रहाने और राहुल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आगे की इनिंग का हाल होगा। एक मुश्किल सेशन यहाँ पर चलता हुआ, एक बार फिर फ्रंट फुट पे खेला है शॉट, सिंगल के साथ इस सेशन की शुरुआत। आखिरी 10 ओवर बाकी, लेग साइड पे गैप बहुत है, लेकिन हम सबको पता है उधर आएगी नहीं गेंद, ऑफ साइड पर ही रखेंगे कमिंस। वाइड नहीं हुई है गेंद, वैलिड का है। रहाने वाइस कैप्टन, बैक फुट पंच गैप में और बहुत ही आसानी से, अरे चार नहीं जा रहा है लग रहा है, पार कर गई ये बाउंड्री। फाइनल स्ट्राइक हुआ है, रोटेट जाएंगे फ्रंट फुट के साथ, एक क्विक सिंगल राहुल का। पहली इनिंग में बहुत ही आसानी से खेला था इनको, इस बार फिर से दूर रखिए गेंद। राहुल यही सोच रहे हैं, रहाने इस वक्त यही सोच रहे हैं, दोनों यही सोच रहे हैं कहां से हिट किया जाए इनको गैप में। राहुल कर चुके हैं 8 में 6, गैप की कोशिश जारी रहेगी। यहां पर मिला है गैप पॉइंट कवर के बीच से, दोनों फील्डर एक बार फिर गेंद के पीछे, लेकिन रोकना पॉसिबल नहीं हो पाया। 4, रहाने कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक को, रन इस बार वापस भेजना ही बेहतर है। ओवर थ्रो हो गया है, देखना होगा कवर कर पाते हैं कि नहीं, नहीं हो पाया है कवर, चौका मिलता हुआ बाएगा। गलतियां नहीं करना चाहूंगा, इस बार फ्लाइट थोड़ा सा कम था इसलिए फ्रंट फुट पे गए हैं। कवर ड्राइव लगाया है, 4 के लिए बढ़ती हुई गेंद, आउटफील्ड भी नहीं रोक पाई है इसको, और रहाने के हिस्से में चौका। लगातार इस बार थोड़ा तेज रखा है गेंद को, तैयार थे हम और मिस फील्डिंग ने यहाँ पे हमें हेल्प की है। 2 रन निकलेगा रहाने के हिस्से में, स्ट्राइक कंटिन्यू। 3 तो एक बहाना है एक्चुअली, थोड़ा सा हैरान करने का इरादा है। लैपटॉप एक बार फिर आते हुए पैरों पे लगी है। अब ओवर द विकेट आ रहे हैं तो चांसेस तो आउट के LBW के बहुत कम रहते हैं। रहाने 30s में खेलते हुए 9 बॉल डाली है, चलिए कोई बात नहीं, फिर हिट का फायदा इसमें नहीं मिलेगा इस फॉर्मेट में, काफी बेहतरीन रहता हुआ ओवर पर फिर 9 बॉल डाल दी। अब इसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, या 2 लेते हुए हम लोग, रनिंग थोड़ी सी मिसजज होती हुई नजर आती हुई, और सरप्राइज हूं मैं ये देख के कि थ्रो जो है वो कीपर के एंड पे गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने रनिंग में कहीं कमी रखी थी, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग आउट हुए हैं। डाइव भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में रहाने रन आउट हुए कमिंस के थ्रो पे। बड़ा विकेट नहीं खोना है अगर इस मैच में जीतना इंडिया को। ऋषभ पंत नए बल्लेबाज, पंत पहली बार सामना करेंगे हेजलवुड का। फ्रंट फुट पे निकले, पॉइंट पे ढकेला है गेंद को अच्छे खासे पावर के साथ, यहां पर चौका, क्लीन हिट। पंत एक बार फिर सामना करेंगे स्टार्क का, टाइमिंग जब जब बेहतर है और गैप में है तो फिर 4 जाने से नहीं रोक पाएगा कोई। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग टेक्निक से खेलते हुए और उसी को कंटिन्यू किया है, दूसरी गेंद पे भी 4 अपने अंदाज में खेल रहे हैं। 2 चौके, बैक टू बैक हैट्रिक यहां पर लगा दिए स्टार्क के सामने, 3 गेंदें और 3 चौके। समझाने आना पड़ा है यहाँ पे कप्तान फिंच को स्टार्क को कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों फिर से वही गेंद है। थोड़ा इस बार बैक फुट जाके खेला है, वापसी की है, आउट होते अगर रन पूरा करने जाते तो। गेंदों में 20 इस बार तो खुल के खेला है शॉट को, लॉकेट कवर पे छक्का। पंत जिस फॉर्म में है सभी अवॉइड करना चाहेंगे उनके सामने गेंदबाज, रीजन आपके सामने एक बार फिर मिलता हुआ। कमिंस को भी यहां पर चौका लगाया, पहली गेंद ही थी, ब्रेक लिया था थोड़ी देर का, हेजलवुड को हटाया गया है, अब इनको लाया गया। 22 गेंदों में 20 बना चुके हैं, पुल शॉट किया है, 2 लेने चाहिए यहाँ पर। स्ट्राइकर एंड पे थोड़ा रिस्की होता हुआ, काफी रिस्की होता हुआ, डायरेक्ट लगता तो राहुल पवेलियन थे। स्टार्क वर्सेस पंत एक बार फिर देखने को मिलता हुआ, रिजल्ट भी काफी हद तक पिछले ओवर जैसा ही आया है, पहली गेंद पे हाल फिलहाल चौक। एक बार फिर 4 की उम्मीद है, इस बार थोड़ा सा स्पीड कम लग रही है गेंद की, पर फील्डर उनसे भी धीरे नजर आते हुए। 4 हम लोग इस बार रनिंग के थ्रू लेना चाहते हैं, जो कि गलत लग रहा है डिसीजन, लेकिन निकाल दिया है किसी तरह। 2 गेंदे बाकी यहां पर इस सेशन की समाप्ति में, स्ट्राइक किया रोटेट, 2 तो भारी पड़ेगा, वापस जाओ। आखिरी गेंद पहले सेशन की शॉर्ट पिच के डाली थी इसको, सेशन समाप्त। 1 विकेट खोया इंडिया ने यहां पर, अगर 1 विकेट नहीं खोया होता तो मैं मानता इंडिया का पलड़ा भारी होता हुआ इस मैच में, पर खोया है तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 30 ओवर तक तो हमने मैंने 10 ही ओवर आउट ऑफ लिया था, 6 ओवर भी नहीं खेल पाया इंडिया, ऑल आउट हो गई है तो।
मैंने जानबूझ के मैं 10-10 ओवर यहाँ पर सिमुलेट कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है इस मैच में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सिर्फ 40 गेंदों में ये अपनी बाकी की 5 विकेट खो देंगे। चलिए स्कोर कार्ड देखते हैं। 1-2-3-4-0 के स्कोर, अश्विन आउट 0 पे, बुमराह 0 पे, अहमद शमी 0 पे, नॉट आउट, उमा यादव गोल्डन डक, ऋषभ ने अच्छा खेला लेकिन इनफ नहीं रहा है। हमारा गेम प्ले वीडियो सरप्राइजली खत्म होता हुआ सीरीज में यहाँ पर देख सकते हैं। कमिंस ने 5 विकेट निकाला है, 2 यहाँ पर, 1-1 विकेट आई स्टार्क लियोन को, बाकी के रन आउट हुए 3। एक्चुअली 1-0 की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला मैच चालू होगा 26 तारीख को, जो कि बॉक्सिंग डे कहलाता है, 26 दिसंबर। मुलाकात आप लोगों से अब इस सीरीज में उसी वीडियो में होगी। अपना ध्यान रखिए, हमारे बाकी के वीडियोस देखिए, लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें। लाइक गुलाज है 1000 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना यार। और क्या, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट प्यार ऐसे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।